के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार की ओर से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किए जाने के बाद अपने 19वें दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी ने जो कहा वह करके दिखाया। आयुष्मान योजना की शुरुआत की, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, 3 तलाक पर रोक लगाई और इसके लिए कानून बनाया, एक समान नागरिक कानून के लिए कानून में संशोधन कर दुनिया की पीड़ित मानवता को शरण देने की पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण किया। 500 वर्षों बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन के पात्र हैं। सीएम योगी ने मौजूदा जनता का भी अभिनंदन किया। सीएम योगी ने सूर्यकुंड दर्शन नगर पर आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का उद्घाटन किया और स्टॉलों का निरीक्षण किया। आरोग्य मेले के तहत गर्भवती महिलाओं के अन्नप्राशन और गोद भराई रस्म को सम्पन्न कराया। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के उपरांत तो मुझे आज पहली बार अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके यशस्वी नेतृत्व में देश दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर रहा है। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वह देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं हों, चाहे वह पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हों, और चाहे वह देश की आकांक्षाओं की प्रति कश्मीर में धारा 370 को हटाना, 3 तलाक की कुप्रथा को प्रतिबंधित करना, देश के अंदर एक नागरिक कानून, मैं संशोधन करके दुनिया की पीड़ित मानवता को शरण देने के पूरी पारदर्शी व्यवस्था बनाना, और चाहे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना हो, ये कहीं ना कहीं एक यशस्वी नेतृत्व का प्रतीक है। और मैं इस अवसर पर पूरे अयोध्या वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ।